Hi friends, welcome to my another video. Today in this video I will show you how to make this fixed frequency 108 MHz FM transmitter. You can use this circuit as a walkie-talkie transmitter. So keep watching the video till end. I will explain you everything in this video. So keep watching the video. फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एफएम ट्रांसमीटर बनाने के लिए सबसे पहले लेना पड़ेगा हमें एक BC547, एक जनरल पर्पस एनपीएन ट्रांजिस्टर, उसके बाद लेना पड़ेगा हमें एक 27 मेगाहर्ज का क्रिस्टल, और एक क्रिस्टल आप किसी भी पुरानी डीटीएच कार्ड की सर्किट से और बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स का गैजेट होते हैं उसमें से निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर डीटीएच जो फ्री डिश का कार्ड है उसमें से निकाला है 27 मेगाहर्ज का एक क्रिस्टल, और इसकी मदद से हमारा एफएम ट्रांसमीटर का फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड रहेगा। और क्रिस्टल का मेन काम होता है एक हाई एक्यूरेसी स्टेबल फ्रीक्वेंसी जनरेट करना, जिसके मदद से हम अलग अलग कंपोनेंट को चला सकते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन में डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है क्रिस्टल, और बहुत सारे जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का गैजेट है उसमें भी क्रिस्टल रहता है, जिसके मदद से एज ए क्लॉक सिग्नल रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए डीटीएच फ्री डिश का जो डाटा कार्ड है उसका जो 27 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल है उसको बाहर निकाल देता हूँ। तो बाहर निकाल लिया हूँ सोल्डरिंग आयरन के मदद से, और आप देख सकते हैं 27 मेगाहर्ट्ज का है और ये अलग एक क्रिस्टल है। तो चलिए मैं इस क्रिस्टल को मैं टॉप कवर को हटा के दिखा देता हूँ अंदर क्या है। पता है ये गलत तरीका है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अंदाज़ा हो जाएगा कि अंदर क्या रहता है क्रिस्टल के अंदर। तो टॉप कवर को मैं काट दिया हूँ क्रिस्टल का, और आप देख सकते हैं अंदर कुछ भी नहीं है, कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं है, सिर्फ कुछ मैकेनिकल पार्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्रिस्टल के अंदर सिर्फ क्रिस्टल प्लेट है, और जो कि बहुत ही लो करंट लेके बहुत ही स्टेबल फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं, और जो कि बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी होता है मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में। और मैंने यहाँ पर कुछ क्रिस्टल एलिमेंट को भी देख पाया हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ पत्थर की तरह दिख रहा है थोड़ा सा क्रिस्टल। तो चलिए इस क्रिस्टल को ट्रांजिस्टर की बेस पिन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद लेना पड़ेगा हमें एक 100 किलो ओम का रेजिस्टर, जो कि 1/4 वाट मतलब क्वार्टर वाट का है। इसके बदले आप 82 किलो ओम का भी यूज कर सकते हैं क्वार्टर वाट का, मैंने यहाँ पर 100 किलो ओम का यूज किया है। तो चलिए इस रेजिस्टर को ट्रांजिस्टर की बेस पिन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल करें, ताकि हमारी अगली वीडियो आप तुरंत पाए और सबसे पहले देख सके। तो वीडियो को देखते रहिए। उसके बाद हमें लेना पड़ेगा और एक रजिस्टर, जो कि 1 किलो ओम का है और ये 1/2 वाट का है। इसके बदले आप 1 वाट का भी यूज कर सकते हैं अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। तो मैं इस रजिस्टर को ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पिन है उसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। उसके बाद लेना पड़ेगा हमें एक सिरेमिक कैपेसिटर, जो कि 47 पिकोफेराड का है, जैसे कि आप देख सकते हैं।
उसके बाद हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा कॉपर वायर का टुकड़ा। मैं इस कॉपर वायर को इस ट्रांसमीटर का एंटेना की तरह यूज़ करूँगा। इसके बदले आप कोई भी वायर को यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 0.5 mm का कॉपर वायर को यूज़ किया है। तो फाइनली दोस्तों हमारा 108 MHz फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का FM ट्रांसमीटर तैयार हो चुका है। इसको आप एज ए वॉकी टॉकी ट्रांसमीटर की तरह यूज कर सकते हैं क्योंकि इस ट्रांसमीटर का फ्रीक्वेंसी बहुत ही स्टेबल रहता है। तो चलिए मैं टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ, उससे पहले डायग्राम को देख लेते हैं। और दोस्तों उसके बाद मैंने इस सर्किट का सर्किट डायग्राम डिजाइन किया मेरे PC में, जैसे कि आप देख सकते हैं। और दोस्तों इस सर्किट के बारे में सारी जानकारी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और इस सर्किट के बारे में पूरे डिटेल्स के साथ मेरे ब्लॉग वेबसाइट में आप देख सकते हैं कहां पर इस सर्किट का ऑडियो सिग्नल आपको देने हैं और कहां पर इस सर्किट में आप माइक्रोफोन लगा सकते हैं। ढेर सारे जानकारी के साथ मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है मेरे ब्लॉग वेबसाइट का, उसमें आप विजिट कीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप देखते रहिए। तो चलिए इस सर्किट को चेक करके देख लेते हैं। उससे पहले मैंने यहाँ पर एक FM रेडियो ले लिया हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं एक FM, AM और मीडियम वेव और TV1, TV2 का रेडियो रिसीवर है। तो पहले मैं इस रेडियो को FM मोड में सिलेक्ट कर लेता हूँ फ्रीक्वेंसी बैंड में। तो FM फ्रीक्वेंसी बैंड में मैं सिलेक्ट कर दिया हूँ। और इस FM रेडियो का दो मोड है, एक रेडियो और एक USB। तो नीचे है USB, ऊपर है रेडियो। तो रेडियो में सिलेक्ट कर दिया हूँ, वॉल्यूम को इंक्रीज करता हूँ और आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। और दोस्तों ये रेडियो की लुक को आप मत जज कीजिए, आप कंटेंट को फोकस कीजिए। ये रेडियो मेरे एल्डर ब्रदर का बहुत ही पुराने रेडियो है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए टेस्टिंग पर्पस में। उसके बाद लेना पड़ेगा हमें एक 12 वोल्ट का बैटरी। मैंने यहाँ पर 12 वोल्ट 7 एम्पियर का एक बैटरी ले लिया हूँ इस सर्किट को चलाने के लिए। और दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव है और इसको आपको ध्यान से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी FM ट्रांसमीटर को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया हूँ। तो चलिए ट्यून करके देखते हैं। और ये रिसीव हो चुका है रेडियो में, आप देख सकते हैं।
जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा एफएम ट्रांसमीटर का फ्रीक्वेंसी 108 मेगाहर्ज फिक्स्ड है। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को देखते रहिए। और ये ट्रांसमीटर का फ्रीक्वेंसी मेरे फ़ोन में भी अच्छे से रिसीव हो रहा है। दोस्तों आपके मन में सवाल हो सकता है कि मैंने यहाँ पर तो 27 मेगाहर्ज का क्रिस्टल यूज किया है तो कैसे 108 मेगाहर्ज फ्रीक्वेंसी निकल रहा है इस सर्किट से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस ट्रांजिस्टर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी मैटर करता है फ्रीक्वेंसी को टॉलरेट करने में, और बॉडी स्ट्रक्चर भी मैटर करता है, और बाहर से जो मैं 47 पिकोफैराड का एक सिरेमिक कैपेसिटर यूज किया है वो भी मैटर करता है। बहुत सारे चीज़ें हैं जो इस फ्रीक्वेंसी को टॉलरेट करता है। सेम सर्किट डायग्राम को फॉलो करके मैंने और एक ट्रांसमीटर बनाया है 2N2219 ट्रांजिस्टर को यूज़ करके, और फिर भी इस सर्किट से हमें 108 मेगाहर्ट्ज का फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी मिल रहा है। तो चलिए मैं टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। और इस ट्रांजिस्टर को यूज़ करने से हमें रेंज भी हाई मिलेगा, तो वो भी टेस्ट करके दिखा दूँगा इस वीडियो में, तो आप वीडियो को देखते रहिए। विदाउट एंटेना हमें लगभग 5 मीटर रेंज मिला। अगर आप एंटेना यूज़ करते हैं तो आपको 200 मीटर मिलेगा रेंज। तो चलिए इस बार मैं 2N2219 का ट्रांजिस्टर से बनाया हुआ सर्किट का रेंज टेस्ट करके दिखा देता हूँ। इस बार मैं थोड़ा सा अलग प्लेस में रखा है बैटरी को, तो उसमें कनेक्ट कर देता हूँ इस ट्रांसमीटर को। और इस ट्रांजिस्टर से हमें लगभग 7 मीटर का रेंज मिला उदयुट एंटेना। और दोस्तों अगर आप इस ट्रांसमीटर में एक 5 मीटर का एंटेना यूज़ करते हैं तो 200 मीटर से ज़्यादा का रेंज मिलता है, मैंने खुद टेस्ट करके देखा है।
और दोस्तों इस सर्किट को आप 4 वोल्ट की बैटरी से भी चला सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप फ्यूचर में पाते रहें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।